सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती, केवल एक डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहाँ शासन कर रही है, तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चल लेना। आपको मालूम है कि संविधान में क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि तीन चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखलंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाए, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को है। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि किसी तरीके से सारी पावर खुद पे समेट ले और जो आपकी गिनी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना दे। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है। लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले से नहीं है, गले में अटकी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी